नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम श्योर कि आप लोग यहाँ बहुत ही अच्छे होंगे। सो दोस्तों, एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है और आप देख रहे हैं अपना खुद का चैनल डिजिटल वर्ल्ड बाय मंजीत सिंह, जहां पर मैं आपको बहुत सारे नए नए बिजनेस के तरीके और जो है एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत सारी डिटेल जो है आपके साथ शेयर करते रहता हूं। सो दोस्तों, यहाँ पे आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि निश सेलेक्शन का क्राइटेरिया आपका क्या होना चाहिए, क्योंकि एफिलिएट के अंदर बहुत लोग जो है अपना किस्मत आजमाते हैं और कुछ सक्सेस होते हैं, कुछ नहीं भी होते। अब जो नहीं सक्सेस हो पाते उनके पीछे जो है बहुत सारे रीजंस होते हैं। कुछ वाकई कैपेबल होते हैं एफिलिएट मार्केटिंग के, लेकिन उनको पूरा प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है, तो इस वजह से वो क्या हो जाते हैं कि फेल हो जाते हैं। और हर चीज हर किसी के बस की बात भी नहीं है, लेकिन जो वाकई कैपेबल है लेकिन फेल हो जाते हैं, उनके पीछे रीजन क्या है। अब वो रीजन जो है वो सबसे बड़ा रीजन होता है कि आपका प्रोडक्ट सेलेक्शन या जिस भी कैटेगरी के आप प्रोडक्ट डालने जा रहे हो, निश सेलेक्शन जिसको बोलते हैं, यानी कि कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी के आप प्रोडक्ट लेके आगे बढ़ रहे हो, वो जानना बहुत ही जरूरी है। उस कैटेगरी के बारे में नॉलेज होना आपको बहुत ही जरूरी है कि जो कैटेगरी आपने सेलेक्ट करी है एफिलिएट मार्केटिंग के लिए, क्या वाकई उसके प्रोडक्ट जो है वो सेल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर सेल हो रहे हैं तो कब हो रहे हैं, अगर नहीं हो रहे तो कब नहीं हो रहे, और कब हमें कौन सी कैटेगरी के ऊपर में ध्यान देना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है हमारे सक्सेसफुल एफिलिएट मार्केटिंग के लिए। तो अब ये निश सेलेक्शन का प्रोसेस जो है वो कैसा होना चाहिए, उसके लिए मुझे लेके चलना पड़ेगा आपको लैपटॉप स्क्रीन पे, और वहीं चल के देखते हैं कि निश सेलेक्शन जो है वो किस बेस के ऊपर होना चाहिए और किस तरह से आप जो है उस चीज को सर्च कर सकते हैं। सो हम आगे कंप्यूटर स्क्रीन पे और देख सकते हैं आप, हम हैं amazon.in के ऊपर, और यहां पर जो है आपको मैं कुछ चीजें जो है बताने वाला हूं जिसके जरिए आप अपनी निश सेलेक्शन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहां पे आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं यहां पे amazon के पेज के ऊपर। मैंने अपने एसोसिएशन लिंक के ऊपर ऑलरेडी मेरा एसोसिएशन जो लिंक है, इसके एफिलिएट अकाउंट है जो इसके साथ में, वो मेरा यहां पे कनेक्टेड है, आप देख सकते हैं। अब यहां पे अगर नहीं भी कनेक्टेड हो कोई फर्क नहीं पड़ता यहां पे, इसीलिए मैंने बताया क्योंकि ये ऊपर साइड पे आपको एक अलग Amazon एसोसिएशन की जो साइट स्क्रिप्ट है ये आपको विजिबल है, तो इसी वजह से यहां पे मैंने आपको बता दिया कि मैं ऑलरेडी लॉगिन हूं। लेकिन अगर आप नहीं भी लॉगिन होंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहां पे मेन सबसे पहले देखो बहुत सारी कैटेगरीज हैं जिसके अंदर जो है आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं और बहुत अच्छी चलती हैं। सबसे पहला तरीका क्या है कि आप Amazon पे जाओ, यहां पे पहले आपको यह डिसाइड करना है कि आपके दिमाग के अंदर क्या है, यानी कि आपका खुद का नॉलेज क्या कहता है, आपको किस, आपका जो हॉबी है मतलब आपका इंटरेस्ट किसके अंदर है। अगर सपोज कर लो कि आपका इंटरेस्ट जो है फैशन में है और आप जो है इलेक्ट्रॉनिक के अंदर जा रहे हो, तो वहां पे आपको काम करने में मजा नहीं आएगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट आपके माइंड में होना चाहिए कि आपको इंटरेस्ट लेवल किस में है, ये आपको एज इंडिविजुअल पता होगा। पहले आपने वो डिसाइड करना है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। ये पहली क्राइटेरिया आपके किसी भी निश सेलेक्शन को से पहले आपको ये पॉइंट जो है वो क्लियर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट आपको क्या करना है कि यहां पे बहुत सारी कैटेगरीज हैं। आप देख सकते हैं यहां पे शॉप बाय कैटेगरी लिखा हुआ, तो यहां पे बहुत सारी कैटेगरी हैं। अब इनमें से आप वन बाय वन करके जा सकते हो और देख सकते हो कि आपका जो इंटरेस्ट है वो किस कैटेगरी में आ सकता है। देखो यहां पे अगर मैं टीवी अप्लायंसेस है इलेक्ट्रॉनिक पे जाता हूं, तो यहां पर भी दो तरह की कैटेगरी आपको दिख रही है। एक तो मेजर जो है आपका टीवी ऑडियो कैमरा और दूसरा है अप्लायंसेस। तो यहां पे जो है टीवी ऑडियो कैमरा के अंदर भी यहां पे टेलीविजन भी है। वैसे तो किसी भी पर्टिकुलर एक कैटेगरी के अंदर, छोटी सी कैटेगरी के अंदर भी आप बहुत बड़ी वेबसाइट बना सकते हो, जैसे कि टीवी का ले लेते हैं, हेडफोन का ले लेते हैं, होम एंटरटेनमेंट सिस्टम ले लेते हैं, स्पीकर ले लेते हैं, कैमराज ले लेते हैं, डीएसएल कैमरा ले लेते हैं, सिक्योरिटी कैमराज ले लेते हैं। तो यहां पर बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी कैटेगरी भी है जिनके ऊपर आप अपनी वेबसाइट या फिर आप एफिलिएट अकाउंट के जरिए जो है बहुत अच्छा यहां पे आप रिवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। लेकिन
फिर भी मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि हमेशा जो है आप मल्टीपल चॉइस रखो, आप मेजर कैटेगरी को सर्च करो, मेजर कैटेगरी के अंदर जाके ही आप उसको क्या करो, काम करो एफिलिएट के अंदर। क्योंकि अगर सपोज कर लो आपने सिर्फ टीवी टेलीविजन लिए, अब टीवी के अंदर जो है सपोज कर लो कि कभी ऐसा है कि डाउनफॉल आ गया या अप ज्यादा सेल नहीं हो रही है, तो आप वहां पे क्या हो जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। लेकिन अगर मल्टीपल कैटेगरीज आप इनिशियली एक कैटेगरी में, देखो मेजर कैटेगरी क्या है यहाँ पे, आपकी टीवी ऑडियो कैमरा, लेकिन यहाँ पे जो है बहुत सारी कैटेगरी दिख रही है इसके अंदर, तो इन कैटेगरीज को आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप टीवी ले सकते हो, हेडफोन्स ले सकते हो, स्पीकर्स ले सकते हो, कैमरा डीएसएल कैमरा ले सकते हो, सिक्योरिटी कैमरा ले सकते हो। तो ये क्या है, ये एक मेजर कैटेगरी के अंदर आपकी सब कैटेगरी है, जहां पे अगर एक कोई प्रोडक्ट नहीं चला तो दूसरे पे जो है काफी ज्यादा, अब डीएसएल कैमरा में आपका जो है काफी ज्यादा सेल होती है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आपके थ्रू ही वो सेल ज्यादा हो, क्योंकि बहुत सारे एफिलिएट मार्केटिंग जो कर रहे हैं वो भी इसका इस्तेमाल करते हैं। सिक्योरिटी कैमरा, आज की डेट में बहुत लोग सिक्योरिटी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो सिक्योरिटी कैमरास के ऊपर में आप यहाँ पे कैटेगरी साथ में ले सकते हो। अगर आपको अप्लायंसेस में जाना है, आप एयर कंडीशन, देखो अब एयर कंडीशन के अंदर जो है आपको यहाँ पे हमेशा नहीं सेल होती, एयर कंडीशन हम सबको पता है कि गर्मियों के अंदर ही सेल होती है, तो ऐसी कैटेगरी को अगर आप, कई लोग ऐसा करते हैं कि एफिलिएट में आते हैं उनको एयर कंडीशन के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज है, वो क्या करते हैं स्टार्ट कर देते हैं एफिलिएट मार्केटिंग करना सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल कैटेगरी के ऊपर, दैट इज एयर कंडीशन। अब एयर कंडीशन गर्मियों में तो चलो सेल होगा, लेकिन जैसे जैसे बरसात का मौसम आएगा वैसे एयर कंडीशन की सेल क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। अभी मैं आपको यहाँ पे सेल भी सारी चीजें मैं आपको क्लियर करने वाला हूं, किस तरह से आप सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये सारी चीजें देखने के बाद अपन चलते हैं सबसे पहले तो गूगल के ऊपर, राइट। गूगल के ऊपर जाके आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है गूगल ट्रेंड। गूगल ट्रेंड्स आप लिखोगे और यहाँ पे आपको सबसे पहला एक जो है यूआरएल मिलेगा trends.google.com, इसके ऊपर आपको जाना है, राइट। अब यहाँ पे आप क्या करना चाहते हो, वापस चलते हैं अमेजोन के ऊपर और यहाँ पे टीवी अप्लायंसेस के अंदर जाते हैं, हम यहाँ पे एयर कंडीशन को सर्च करना चाहते हैं, राइट। हमारा काम है एयर कंडीशन को सर्च करना कि एयर कंडीशन के अंदर क्या है, तो हम वापस आते हैं गूगल ट्रेंड्स के ऊपर, यहां पे लिखते हैं हम एयर कंडीशंस, राइट, एयर कंडीशनिंग लिखते हैं और यहां पे इसको सर्च करते हैं। अब देखो यहां पे जो सर्च आई है, ये जो आपके सामने सर्च दिख रही है, आप देख सकते हैं यहां पे इसका ग्राफ क्या है, ये पिछले 12 महीने का, पहली बात तो यहां पे ये जो ग्राफ दिख रहा है आपको, ये कब का दिख रहा है, ये पिछले 12 महीने का दिख रहा है। अब यहां पे आप देखो यहां पे स्टेट क्या दिख रही है, यूएस। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये गलती करते हैं कि आप काम इंडिया में कर रहे हैं लेकिन सर्च में जो देखते हैं वो किसको देखते हैं, यूएस को देखते हैं। हम काम इंडिया के अंदर कर रहे हैं, लेट्स चेंज, यहां पे आपको इंडिया सेलेक्ट करना है, राइट, क्योंकि हम इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं, तो यहां पे इंडिया को सेलेक्ट कर लेते हैं, राइट। ये हमने इंडिया कंट्री सेलेक्ट कर ली। अब देखो यहां पे अब ग्राफ जो पहले दिख रहा था, अब उसके हिसाब से ग्राफ चेंज हो गया, अभी जो ग्राफ आपको दिख रहा है ये इंडिया के हिसाब से दिख रहा है, क्योंकि वी आर इनटू इंडिया, अभी इंडिया में रह रहे हैं तो हम इंडिया के हिसाब से हमारा जो टारगेट ऑडियंस भी होगा वो इंडिया का होगा, राइट। तो यहां पे क्या है, अब देखो जिस भी कंट्री को आप टारगेट करके चल रहे हो आप उस कंट्री के हिसाब से चलो, अभी हम इंडिया की बात करें तो हम इंडिया के हिसाब से। अब यहां से आप देख सकते हो, पहले तो ये 12 महीने के बाद भी बताता हूं, अब देखो यहां पे क्या है, ये सितंबर के अंदर क्या है, आपकी सेल कंडीशन की कम, एयर कंडीशन की कम होती है। अब इसके बाद जो है अक्टूबर आया, अक्टूबर में भी देखो सेल आपकी क्या जा रही है, नीचे जा रही है। ये आपका नवंबर आया, सेल और नीचे जा रही है। दिसंबर आया, आपकी सेल और नीचे जा रही है, राइट। बहुत कम लोग इसको खरीदते हैं, तो यहां पे जो है आप देख सकते हो कितना कम आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप देखो यहां पे क्या आ गया, फरवरी आ गया, अब लोगों के यहां पे सेल क्या इंक्रीज होना स्टार्ट होगी, क्यों, आगे गर्मियां आने वाली है तो यहां पे लोग प्रिपेयर होते हैं। अब यहां पे फरवरी के बाद जो है आप देख सकते हो यहां पे मार्च आया, मार्च के अंदर आपकी यहां पे काउंटिंग बढ़ती जा रही है, ग्राफ जो है ऊपर उठते जा रहा है। और यहां पे अगर देखें तो ये ग्राफ कहां पे चल गया, मार्च के अंदर, फिर यहां पे जो है अप्रैल में देख सकते हो आप, अप्रैल में हाई होता है, फिर अप्रैल के बाद जिन्होंने जो गर्मी की तैयारी करनी है वो मार्च और अप्रैल के बीच में कर लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे आपका ग्राफ फिर वापस क्या होने लग जाता है, नीचे आने लग जाता है। लास्ट जो है आप यूं मान के चल सकते हो मई तक जो है आपको थोड़ी सेल अच्छी मिल जाती है, उसके बाद वापस से ग्राफ ये एज इट इज नीचे चला जाता है। अब ये तो हो गया एक साल का, अभी हमें सपोज कर लो कि ये देखना है कि वाकई ये हर साल ऐसा चलता है या फिर सिर्फ एक ही साल चला है, तो हम यहाँ पे पिछले जो है पास्ट 7 डेज का देख सकते हो, या फिर आप यहाँ पे पिछले 5 साल का देखो,
मैं तो रिकमेंड करता हूं पास्ट 5 ईयर को आप सेलेक्ट करो, और सेलेक्ट करने के बाद आप यहां पे देखो, तो अब आप यहां पे देखो एक यूनिफॉर्म पैटर्न चले आ रहा है, यूनिफॉर्म पैटर्न चले आ रहा है कि यहां पे जो है आपको नवंबर के आसपास क्या है कि सेल जो है सर्दियों में कम मिलती है, और मई जैसे गर्मियां आने स्टार्ट होती हैं, ये देखो यहां पे लेके जाता हूं, ये अप्रैल मार्च अप्रैल के बीच में क्या है कि सबसे हाईएस्ट पीक पे रहता है, तो ये पिछले 5 साल का है, ये आपका 15 का है, ये आपका 16 का है, ये आपका 17 का है, और ये 18 का है, और ये आपका 2019 का है, राइट। तो यहां पे क्या है कि अब धीरे धीरे क्या है कि आपका ग्राफ को देखा हमें पता चल गया कि ये अगर इसके ऊपर आप काम करोगे, एयर कंडीशन वाली अगर निश आप सिर्फ पर्टिकुलर एक टॉपिक को लेके चलते हो, तो यहां पे आपको क्या है सिर्फ 2 महीने जो है सेल मिलेगी, उसके बाद वापस से आपकी सेल डाउन हो जाएगी, राइट। आपको ज्यादा नहीं मिलेगी, अब आपकी वेबसाइट को भी आप मिलनी चाहिए ट्रैफिक, तो इतने कम समय में आपको वाकई क्या इतनी ज्यादा इनकम जनरेट हो सकती है, नहीं हो सकती है, तो ये जो है गलती नहीं करनी है। अब अपन क्या करते हैं, यहां पे चलते हैं, अब लेता हूं मैं यहां पे डीएसएलआर कैमरा, डीएसएलआर कैमरे की बात करते हैं, तो यहां पे हम चलते हैं वापस से हम क्या करेंगे, यहां पे सर्च करेंगे डीएसएलआर, राइट, डीएसएलआर कैमरा की सर्च करते हैं, यहां पे कैमरा लिख देते हैं डीएसएलआर कैमरा, इसको सेलेक्ट करते हैं। अब यहां पे हमने कोई कंपनी सेलेक्ट नहीं करी, हमने सिर्फ डीएसएलआर कैमरा देखा। अब देखो पिछले 5 साल का ये बता रहा है, तो लेकिन मैं आपको पहले रिकमेंड करूंगा, पहले आप पिछले 12 महीने में क्या परफॉर्मेंस रही है वो देखो। अब पिछले 12 महीने में परफॉर्मेंस देखो, यहां पे 75 से ऊपर है, 75 और 100 से के बीच में ही इसका ग्राफ चल रहा है, राइट। अब ये पूरा देखो, पूरे साल भर में इसकी सेल क्या करती जा रही है, चलती जा रही है। अब यहां पे जून जुलाई के आसपास में थोड़ा सा क्योंकि गर्मी हो जाती है थोड़ा कम होता है, लेकिन सेल कंपेयर टू एसी की अगर बात करें तो यहां पे सेल आपकी काफी अच्छी है, राइट। यहां पे 74-63 फिर वापस से आपकी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि यहां पे ये रेगुलर चलने वाला प्रोडक्ट है, अगर रेगुलर चलने वाला प्रोडक्ट है तो डेफिनेटली आपको उसके अंदर जाना चाहिए। तो आपका एक क्या हो गया, डीएसएलआर कैमरा हो गया। इसके बाद आप क्या करो, यहां पे डेस्कटॉप पे चलते हैं, यहां पे एक एक्सेल शीट बनानी है आपको, एक्सेल शीट बनानी है, और एक्सेल शीट के अंदर जो जो आपने अभी चीजें चेक करी हैं उनको आपको क्या करना है, एक्सेल शीट के अंदर यहां पे लिखते रहना है। तो हमने अभी क्या करा, DSLR कैमरा, तो इसकी जो है हमें क्या मिली है, काफी अच्छी मिली है, तो हम इसको जो है ले लेते हैं। अभी मैं कंपटीशन वगैरह की बात नहीं कर रहा हूं, अभी यहां पे सिर्फ आपको निश सेलेक्शन की बात कर रहा हूं। आगे चल के हम कंपटीशन, बहुत लोगों के सवाल होंगे, कोई कमेंट में भी लिखेंगे कि कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई होता है तो उसका क्या, तो यहां पे कंपटीशन वगैरह को हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले अभी हम बात कर रहे हैं जो कि निश सेलेक्शन। तो ये हो गया। अब इसी तरह से आपको सपोज कर लो कि फैशन की बात करूं, तो फैशन के अंदर आपका क्या आना चाहिए। अब यहां पे फैशन के अंदर से फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं यहां पे शूज को, है ना, तो हम यहां पे शूज की बात करते हैं, तो शूज जो है स्पोर्ट्स शूज ले लेते हैं, तो हम यहां पे लिखते थे स्पोर्ट्स, ठीक है ना, यहां पे हम लिखते हैं स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स शूज। तो स्पोर्ट्स शूज जो है हमारे कैसे हैं, तो ये स्पोर्ट्स शूज हमने यहां पे स्पोर्ट्स लिखना था, सॉरी, ये स्पोर्ट्स शूज जो है हमारे, ये आपके क्या परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अब आप देख सकते हैं इनको भी जो, ये भी आप देखो, तो ये आपका क्या चल रहा है, ग्राफ जो है काफी ऊपर ही ऊपर चल रहा है, ये नीचे नहीं जा रहा। अब इसको पिछले 5 साल में देख लेते हैं एक बार, पिछले 5 साल में भी अगर हम यहां पे एक बार देखते हैं तो आप देखते हैं यहां पे कुछ गिरावट जरूर आई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी भी बहुत ज्यादा अच्छा इसका चल रहा है, लेकिन कंपेयर टू 2014 जो है, 2014 से लेके अगर अभी की बात करें तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं यहां पे गिरावट देखने को मिली है, ये आपको कम हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसकी सेल नहीं हो रही, सेल इसकी कंटिन्यू बनी हुई है, ठीक है ना। तो हमारा यहां पे अब देखो, आपका अलग अलग इंटरेस्ट होता है तो मैं अलग अलग कैटेगरी में आपको लेके बता रहा हूं। तो यहां पे हमारे क्या हो गया, स्पोर्ट्स शूज जो हमने लिए वो देख लिए यहां पे। अब इसके बाद अगर आपका कोई फैशन के अंदर किसी की इंटरेस्ट होगा तो फैशन वाले क्या कर सकते हैं, अब यहां पे चलते हैं, देखो अब यहां पे ब्यूटी हेल्थ में जाते हैं, तो यहां पे आप क्या कर सकते हो, अब यहां पे आप हेल्थ एंड पर्सनल केयर, हेल्थ एंड पर्सनल केयर के अंदर आप जाके जा सकते हो। तो आप यहां पे क्या लिखो, हेल्थ, है ना, हेल्थ के लिए आज की डेट में हेल्थ केयर जो है बहुत लोग अपने हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, तो ये जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहां पे हेल्थ के अंदर भी क्या आपका रेगुलर चीजें बनी हुई है, तो हेल्थ के अंदर भी अगर आप जाते हो तो यहां पे आपको रेगुलर चीजें मिल रही हैं, तो आप हेल्थ की कैटेगरी के ऊपर भी जा सकते हो, क्योंकि यहां पे क्या आपको रेगुलर सेल मिलेगी। अब देखो पिछले 12 महीने का ओपन करा, ये रेगुलर सेल आपको मिलती रहेगी,
तो ये जो है आपको यहां से जो है एक आइडिया मिल जाता है कि आपको कौन सी कैटेगरी में जाना है। तो अब मैं यही रिकमेंड करूंगा, आप किसी भी कैटेगरी में जाएं, लेकिन मेजर कैटेगरी सेलेक्ट करो, आपकी निश जो है वो मेजर सेलेक्ट करो। उसके अंदर आप मिनिमम दो या तीन कैटेगरी को, मिनिमम जो है दो या तीन सब कैटेगरी को साथ में लेके चलो, ताकि अगर एक कैटेगरी में, अब यहां पे टेलीविजन की बात करते हैं, ठीक है ना, टेलीविजन की अगर बात करें तो टेलीविजन को भी एक देख लेते हैं एंड में। तो यहां पे हम लिखते हैं टेलीविजन, ठीक है ना, टेलीविजन लेते हैं यहां पे, और टेलीविजन को हम यहां पे चेक करते हैं कि टेलीविजन की सेल क्या है। देखो यहां पे टेलीविजन की सेल क्या है, ज्यादा नहीं है, खास ज्यादा खास नहीं है, बट यहां पे ऐसा है कि ये पिछले 12 महीने में देखें तो यहां पे आपका एक स्टैटिक सा चल रहा है, यहां 50 से लेके 75 के बीच में चल रहा है। तो यहां पे आपका 75 के बीच में चला है, यहां पे बीच में 100 को भी टच करा है, ये देख सकते हैं यहां पे मई के अंदर जो है 100 को भी टच करा है। तो ये जो है हो सकता है कि कहीं ऑफर आए हों ये, लेकिन आपका एक एवरेज देखा जाए तो आपको अच्छी सेल यहां से भी मिल सकती है। आप पिछले हमारे पास पिछले 5 साल में इसका क्या ग्रोथ है तो वो देख लेते हैं, आप पिछले 5 साल का ग्राफ इसका एक बार चेक कर लेते हैं। तो पिछले 5 साल में भी आप देखो यहाँ पे टीवी की सेल अभी क्या है, अभी यहाँ पे 2019 में इंक्रीज हुई है, डिक्रीज नहीं हुई है। तो ये क्राइटेरिया, ये कैटेगरी के अंदर अगर आप इसको साथ में टीवी को लेके चलते तो आपको अच्छी खासी हैंडसम इनकम जो है वो मिल सकती है। तो ये है आपका निश को सेलेक्ट करने का क्राइटेरिया। इसमें आप किसी भी कैटेगरी में जा रहे हो, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, उसके 2-4 सब कैटेगरी को अच्छे से, उसके प्रोडक्ट देखो, उसकी कैटेगरी के अंदर देखो कि उसका ग्राफ क्या कह रहा है आपको, उस ग्राफ जिसका ग्राफ आपके लिए अच्छा है आप उसको जाओ। ऐसा नहीं है कि लोग एयर कंडीशन को सेल नहीं करते, करते हैं, अब यहां पे करते हैं, लेकिन वो क्या नहीं करते, वो हमेशा सिर्फ एक डिपेंडेंट नहीं है एयर कंडीशन के ऊपर। लोग अप्लायंसेस को करते हैं लेकिन एयर कंडीशन के ऊपर पर्टिकुलरली क्या नहीं है, डिपेंडेंट नहीं है वो। उसके साथ में यहाँ पे रेफ्रिजरेटर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, किचन होम अप्लायंसेस हो गया, हेल्थ कूलिंग एंड कूलिंग अप्लायंसेस हो गया, इनको साथ में लेके चलते हैं, ठीक है ना, ताकि उनको अगर एक सब कैटेगरी से क्या ना मिले, सेल ना मिले, तो दूसरी कैटेगरी से उनको कहीं ना कहीं सेल मिलती रहे। तो आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो जो है ये इस तरह से आप क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, आई एम श्योर कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, सो डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस के मैं आंसर डेफिनेटली देने वाला हूं। अगर आपको लगता है कि कुछ चीजें छूट गई तो छूटी नहीं है, आगे मैं आपको आने वाले वीडियोस के अंदर जो है इसको बहुत ही डीपली आपको सारी चीजें समझाने वाला हूं। अभी सिर्फ हमने ओवरऑल कैटेगरीज के ऊपर में बात करी, प्रोडक्ट के ऊपर में मैंने बात नहीं की है। तो ये जो है आपकी निश सेलेक्शन क्राइटेरिया जो है वो कैसा होना चाहिए वो मैंने आपको यहां पे एक्सप्लेन किया है। सो दोस्तों आई एम श्योर कि वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपका कोई भी सुझाव है या कोई भी आप और चीज जानना चाहते हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ बेल का आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सो आज के इस वीडियो को लेते रहें, अगला वीडियो आने तक सेफ रहें, अलर्ट रहें, एंड बी ऑलवेज गुड टू अदर्स।